अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ प्रथमानियों का ग्रंथ है। बहुत सुंदर कथा इसमें आगे आने वाली है। कथा आएगी उससे पहले यहाँ पर हमें सम्यक वस्तु स्वरूप भी यहाँ पर समझाया गया है। संसार का स्वरूप क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, उसका भी यहाँ पर परिचय कराया जा रहा है। और हम लोगों को आचार्यों के शब्दों में कहें, नीच पुरुष से उत्तम पुरुष बनाया जा रहा है। यानी कि हमारी जो छोटी सोच है उस छोटी सोच से बड़ी सोच। दूसरा परिच्छेद अपना चल रहा है, प्रकरण है जिनमती नामक मुनिराज जो कि अवधि ज्ञानी है, उनके पास जाकर के कोई जीव सिंपल सा प्रश्न करता है कि संसार में कितना सुख है और कितना दुख है। बस उसी के उत्तर में यहाँ पर वो वस्तु स्वरूप को समझा रहे हैं। बहुत कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है, अब आगे जो हमारा शेष रह गया है उसको हम समझते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा पढ़ते हुए ताकि हम विषय से कनेक्ट कर पाए और फिर हम आगे बढ़ें। देखो, हम प्रारंभ करते हैं पेज नंबर 16 के लास्ट से। इसे सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, रीड करेंगे, बाकी हम जो रह गया था उसको समझेंगे। क्षण नश्वर संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो कि सुखप्रद जीव के साथ जाने वाली, पवित्र आत्मा के लिए हितकारक और स्थायी हो। मनुष्यों की युवावस्था बुढ़ापे से, जीवित यम से अर्थात मृत्यु से, और संपत्तियां विपत्ति से व्याप्त हैं। हाँ, यदि कोई बाधा से रहित है तो वह उनकी एक तृष्णा ही है। ये यहां से हमारे को शुरू करना है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज बाधित होती है। देखो, एक चीज और समझिए, आपको लग रहा होगा कि ये प्रकरण चल रहा है, इतना लंबा चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने अगर प्रवचन सार पढ़ा हो ना तो ये प्रवचन सार का विषय चल रहा है। कुंद आचार्य ने प्रवचन सार ग्रंथ लिखा है, हम सब जानते हैं। उस प्रवचन सार में एक सुखाधिकार है ना, जो आप स्वाध्यायी हो ना, मैं उनसे कह रहा हूँ, आप लोग आज उन सुखाधिकार की गाथाओं को देखना। मुश्किल से 20-25 गाथाएं होंगी, आप एक नजर में आप उन्हें देख सकते हैं। पीछे पलट लीजिएगा तो एक साथ गाथाएं दी गई है ना, या पद्यानुवाद दिया गया है, उनको एक बार देखिएगा और आप देखेंगे कि जो विषय प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने कहा ना, हम वही विषय समझ रहे हैं। गौण रूप से यहाँ पर प्रवचन सार का विषय चल रहा है,
प्रवचन सार में भी यही सारी बातें समझाई कि चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, वो भी विषय की तृष्णा से दुखी है, संसार का सुख जो है वो सुख नहीं है बल्कि दुखी है। ये सारी विषय किधर समझाए गए हैं? प्रवचन सार में भी समझाए गए हैं। वहां पर भी आप लोग देखेंगे तो आपको इसी प्रकार का विषय मिलेगा। अब आचार्य पता है वहां मुझे प्रवचन सार की याद इसलिए आई क्योंकि ये प्रकरण ना प्रवचन सार में है कि इंद्रिय भोग कैसे है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है ना, और वो इंद्रिय के भोगों के बारे में बताया गया कि इंद्रिय के सुख जो है सपरम बाधा संयम वाली जो गाथा है ना, ये भी प्रवचन सार की है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। बाधा संयम, इसका साफ साफ अर्थ आपको समझ में आ रहा है, बाधा संयम अर्थात बाधा सहित है। संसार का सुख जो है, विषय भोग जो है वो कैसे है? बाधा सहित है। इसका मतलब हम निर्बाध भोग ही नहीं सकते, सोचो है कि नहीं? ऐसे सभी भोगों पे लगाओ, एक एक विषय को आप खुद सोचो ना तो आपके सामने वस्तु स्वरूप ऐसे स्पष्ट हो जाए। संसार के भोग बाधा सहित है, हम निर्बाध भोग ही नहीं पाते। चाहते तो है कि बस ऐसे ही चलता है, बस ऐसे ही होता है, घर में बहुत दिनों की लड़ाई के बाद आज सब लोग प्यार से रह रहे हैं, ये मान लो खाने में सब लोग प्यार दिखा रहे हैं, कैसा लगने लगता है? बस ऐसे ही रहे, बस सब लोग ऐसे ही रहे, बस सब लोग ऐसे ही रहे, सब लोग ऐसे ही रहे। या कोई धर्म में नहीं लगता हो, आज वो धर्म में लगने लग जाए, मंदिर आ जाए, एक दिन बैठ जाए स्वाध्याय में, तो उसके जो हितैषी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? कि बस ऐसे ही हो जाए। लेकिन पता है यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं बस ऐसे ही हो जाए होते ही नहीं है, क्योंकि बाधा सहित है ना। हम सोचे हैं कि आज हम जो खुश हो रहे हैं बस ऐसे ही खुश होते रहे, नहीं होता। हम सोच रहे हैं कि आज जैसे घर में मजेदार भोजन बनाया, ऐसे डेली बेसिस पे यहाँ पे घर में अच्छा अच्छा भोजन बने, अच्छे अच्छे पकवान बने, नहीं होता। किसी भी भोगों के बारे में लगाए, किसी भी चीज के बारे में, तो हाँ सारी चीजें ऐसे ही मौसम बना रहे, ऐसे ये होता रहे, ऐसे सारी चीजें, कोई भी सहयोग और पंच इंद्रिय के भोग निर्बाध नहीं होते, ठीक है? ये विचार करने वाली बात है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी निर्बाध नहीं हो। प्राणियों को देख देख करके तो ऐसा लगता है कि तृष्णा तो नहीं निर्बाध, मतलब क्या भोग अनवरत नहीं भोग पा रहे। अनवरत समझते हैं कंटिन्यूटी से, निरंतर है ना, तो भोग हम अनवरत नहीं भोग पा रहे, मजे हम अनवरत नहीं ले पा रहे, अनवरत हम घूम नहीं पा रहे, अनवरत किसी भी इंद्रिय के भोग नहीं भोग पा रहे, लेकिन तृष्णा, तृष्णा माने हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर्स, हमारी विशेष, ये क्या होती जा रही है? ये बढ़ती जा रही है। वाह क्या कमाल हो रहा है, बहुत सुंदर विवेचन योग सार में किया। योग सार सुना आप लोगों ने? किसने लिखा? योगेंद्र देव ने। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? नहीं, अपभ्रंश भाषा का, ठीक है, संस्कृत का भी नहीं है, प्राकृत का भी नहीं है, कौन सी भाषा का है? अपभ्रंश भाषा का है, ठीक है। अपभ्रंश जानते हैं आप लोग? अपभ्रंश वो भाषा है जिससे हमारी हिंदी निकली, जो आज हम हिंदी बोलते हैं ना, ये हिंदी भाषा की जनक कही जाती है अपभ्रंश भाषा, ठीक है। इतना अब इतना समझ में आ गया। आप ऐसा समझिए, अपने जैन धर्म के हिसाब से बताता हूँ, पहले प्राकृत, प्राकृत के भी भेद है, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ऐसे बहुत भेद होते हैं, आप मतलब उसमें ये मुझे ही जानने दो। ये प्राकृत होती है, प्राकृत के बाद फिर इसको परिष्कृत किया गया। प्राकृत का बहुत सिंपल सी बात होती है, जान लो जरूरी है, काम में आएगा आपको, थोड़ा ये समझ में आएगा कि कौन से ग्रंथ कब लिखे हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे पहले हमारा देखो षटखंडागम आदि ग्रंथ है ना, सबसे पहले षटखंडागम लिखा गया, प्रथम श्रुत स्कंद है, ठीक है। द्वितीय श्रुत स्कंद कौन सा है? द्वितीय श्रुत स्कंद समय सार आदि जो षटखंडागम आगम है, ठीक है, और समय सार आदि जो परमागम है ये द्वितीय श्रुत स्कंद है, ठीक है। तो पुष्पदंत और भूतबलि प्रथम श्रुत स्कंद के रचयिता है, और कुंद कुंद आचार्य ने द्वितीय श्रुत स्कंद लिखा, ठीक है। ये किसमें लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए? ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में,
तो आप क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे थोड़ी सी आप लोग अक्ल लगाओ, लमोकार मंत्र कहाँ का मंगलाचरण है? षटखंड आगम ग्रंथ का मंगलाचरण है, ठीक है। और लमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम भाषाओं के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी, ठीक है। फिर प्राकृत चूंकि ऐसी कोई व्याकरण के नियमों से नहीं बंधी हुई थी, फिर उसको परिष्कृत किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, और फिर उसको निश्चित व्याकरण में डाल डाल करके उसको संस्कृत किया गया। संस्कृत बोलते हैं अच्छी तरीके से परिष्कृत, है ना, उसको मॉडिफाई कर देना सम्यक रूप से, उसे ही क्या कहते हैं? संस्कृत, ठीक है। कहते हैं कि नहीं कहते? तो उसे ही कहते हैं संस्कृत, ठीक है। पहले क्या थी? प्राकृत, फिर क्या आई? संस्कृत, ठीक है। फिर बाद में आई अपभ्रंश भाषा, ठीक है, जो हम ये बोलते हैं यहाँ पर, प्राकृत से ही निकली है अपभ्रंश, ठीक है। जैसे प्राकृत के शौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची आदि, ये सब भेद होते हैं ना, वही भेद अपभ्रंश के भी होते हैं। और अंतर बहुत अंतर है, ठीक है। फिर अपभ्रंश ही बदलते 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 देश भाषा में आई, ढूंढारी आदि भाषा में आई, फिर उसे ही बदलते 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 फिर बाद में ये परिष्कृत रूप से हिंदी आई। हिंदी के भी बहुत भेद है, ठीक है, आप लोग जानते ही, ब्रज में अलग बोली जाती है, वो तो अलग बात है। वो सारी जो भाषाएं निकली गई हैं, ये सब पश्चिमी हिंदी की जो भाषा है, ये सारी ये अपभ्रंश से निकली है, शौर सैनी अपभ्रंश से। हमारी आज की हिंदी, गुजराती, ये सब शौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। ढूंढारी हिंदी की पहली की अवस्था, हाँ हाँ, आजकल जो हिंदी बोली जाती है उसको बोलते हैं मानक हिंदी, ठीक है। इसे भी क्या किया गया? देखो बहुत सारी हिंदियां थी हमारे पास, अभी भी है। कन्नौजी हिंदी अलग है, ठीक है, ब्रज हिंदी अलग है, आप जाएंगे तो वहां ब्रज में अलग तरीके से, अलीगढ़ की बोली, अलीगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है, वहां क्यों को च्यों बोलते हैं, है? च्यों चा चर नहीं, च्यों का कर रहे हैं, जो भी ऐसे बोलते च्यों बोलते हैं। तो ये ना सब जगह की अलग है। हमारी इटावा की जो भाषा है ना, उसके हिसाब से कन्नौजी भाषा नहीं, कन्नौजी भाषा है शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, फिर भी चेक क्या कर लेना, क्या चेक कर सकते हैं आप। तो ये सब ना रीजन में अलग अलग बोली जाती है, ठीक है। आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, अलीगढ़ में ब्रज बोली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इटावा साइड कन्नौजी बोली जाती है, नहीं पढ़ाई पढ़ाई के हिसाब से कन्नौजी भाषा अपने इस साइड में जो बोली जाती है ना, इस लाइन में, उसके हिसाब से मुझे भी लगा था कि ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती हो। इटावा के एक देव कवि हुए हैं हिंदी के, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, तो आप लोग क्या जानते हैं, लेकिन एक देव कवि हुए हैं जो अपने इटावा के थे, उन्होंने ब्रज में लिखा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले बहुत तरीके की हिंदी थी, ब्रज थी, कन्नौजी थी, क्या करें, जैसे सूरदास वगैरह का साहित्य है ना, राम जो तुलसीदास ने लिखा, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, ठीक है। फिर भारतेंदु का काल आया, ये सब धीरे धीरे आए, फिर उन्होंने परिष्कृत किया, फिर उन्होंने कहा कि ये एक हिंदी होनी चाहिए ना, एक मानक हिंदी होनी चाहिए जो सब जगह बोली जाए। ऐसे थोड़ा ना हम क्यों बोल रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो कोई एक तो होना चाहिए ना कि भैया मॉडिफाइड, ये है कि हमारे सरकार की कामकाज की भाषा में उसे क्यों बोला जाएगा, क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसे जो हमने अच्छी तरीके से सही किया ना, एक मानक रूप बनाया ना, उसे कहते हैं आज की भाषा के हिसाब से मानक भाषा। जैसे हमारी राजभाषा है ना हिंदी है, ठीक है। हमारे भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे, हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है राजभाषा, ठीक है। तो वो जो राजभाषा है उसे कहते हैं मानक हिंदी। जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये मानक हिंदी बोल रहा हूँ ना, मैं ब्रज बोल रहा हूँ ना, मैं कन्नौजी बोल रहा हूँ ना, मैं बुंदेलखंडी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सारी यद्यपि हिंदी के अंतर्गत ही आती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में मानी जाती है वो मानक हिंदी है। चलिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन मैंने आपको ये लैंग्वेज का ज्ञान करा दिया, ठीक है। आपको ये बता दिया कि योगेंदु देव का योग सार है, तो कब का होगा, थोड़ा आइडिया लग गया कि नहीं लग गया आपको, थोड़ा सा कि भैया बहुत प्राचीन नहीं है, क्योंकि प्राकृत में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, किसका है? अपभ्रंश का है। इसका मतलब हिंदी से पहले की जो लैंग्वेज थी उसे क्या कहते हैं?
आप अपभ्रंश कहते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि ये किधर का है, ठीक है। काल तो हम लोग कितने का याद रख पाएंगे। चलिए हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वापस आ जाते हैं, योगिंदु देव ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक तो लिखा योगसार, दूसरा नाम है कोई याद है? परमात्म प्रकाश, ठीक है, परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दोनों कौन से अनुयोग के ग्रंथ हैं? द्रव्यानुयोग के, दोनों ही द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। इनमें कौन सा छंद है? इसमें दुहा छंद है, ठीक है, नहीं दुहा बोलते हैं अपभ्रंश में, दुहा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा छंद है? दुहा। दुहा छंद की शुरुआत अपभ्रंश भाषा से ही हुए, जो आजकल दोहा बोलते हैं ना, वो दोहा कहाँ से आया? वो दोहा अपभ्रंश से आया, ठीक है। चलो ये सारी बातें आपको बता दी, ठीक है। हमारे नहीं, ये सब बोलते हैं कि इन सब का साहित्य का भी, भाषा का भी, इन सब का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हम साहित्य ही तो पढ़, ये भी तो भाषा ही है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो भाव आसन नहीं होता अच्छे से। अब सुनना, मूल बात पर आता हूँ जो आप सबको सुनने लायक है। अभी जो मैंने बताया वो भूल भी जाओ तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई आत्मित नहीं होने वाला कि पहले प्राकृत थी या अपभ्रंश थी, तो सिर्फ सामान्य आपकी जानकारी के लिए। उसमें एक बहुत अच्छा आचार्य ने, वो तो मुनिराज थे, मुनिराज जोइंदु देव ने एक बहुत अच्छा छंद लिखा, वो सुनना सभी लोग। आयु गले मन ना गले, ना गले कृष्णा जीव की। अच्छे से सुनना तो आपको अर्थ ख्याल में आ जाएगा। आयु गले मन ना गले, ना गले कृष्णा जीव की, मोह इस पुरे हित नास पुरे, यह दुर्दशा इस जीव की। ठीक है, मैंने गद्य जैसा बोला ताकि आपको समझ में आए। समझ में आया क्या बोला? ये यही बात बोले जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आयु गलती जा रही है, ठीक है, गल रही है कि नहीं गल रही है? हर चीज गल रही है इस दुनिया में, बोलो। ये पंखा निरंतर खराब हो रहा है, अग्रसर है खराब होने के लिए। जो आपके घरों में सिलेंडर लगा हुआ है ना, बोलो, हर क्षण गलता है, मैंने कम होता जा रहा है कि नहीं कम होता जा रहा है, जितना जितना यूज होता जा रहा है, बोलो। इस दुनिया में ऐसे ही तो है, फोन की बैटरी जितनी जितनी यूज होती जा रही है उतनी उतनी खत्म होती जा रही है, ऐसी हमारी भी बैटरी है जिसे आयु कर्म कहते हैं। हमारा भी आयु निरंतर क्या होते जा रही है? कम होती जा रही है, घटती जा रही है, समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो आचार्य कह रहे हैं आयु तो क्या हो रही है? घटती जा रही है, ठीक है। तो जब आयु गल रही है तो जीव के मन की इच्छाएं भी गलनी चाहिए। तो आयु गले मन ना गले, मन ना गले का मतलब मन में जो इच्छाएं हैं वे नहीं कम हो रही। आयु गले मन ना गले, ना गले तृष्णा जीव की। तो जब इसकी आयु कम होती जा रही है तो इसकी तृष्णा भी कम होती जानी चाहिए, बोलो। इसकी इच्छाएं जो है वो भी कम होती चली जानी चाहिए, नहीं होती, हो रही, अभी भी ज्यों की त्यों है, अभी भी और ज्यादा इच्छाएं हो रही हैं, ये नहीं खा पाए, वो नहीं खा पाए, ये और बना दो, वो और खाना, सारे सारे भोगों में ये और चाहिए, वो और चाहिए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, अभी और ले लें, इधर और ले लें, उधर और ले लें। जीव यहाँ कह रहे हैं आयु तो गलती जा रही है, लेकिन ना मन गल रहा है, ना मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं गल रही हैं, ना तृष्णा गल रही है। और फिर नीचे वाली पंक्ति में क्या कहा कि मोह स्फुरायमान हो रहा है, माने मोह तो अपना काम कर रहा है, मोह तो प्रकट हो रहा है ना, लेकिन इस ये जो जीव है वो अपना हित नहीं कर रहा। हित नाश पुरे, इसका जो हित है, वास्तविक कल्याण है, ये उस मार्ग में अग्रसर नहीं हो रहा, हित के कल्याण के, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में ये जीव अग्रसर नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? आचार्य कह रहे हैं बस यही दुर्दशा है। कहाँ है दुर्दशा? कोई दुर्दशा नहीं है, बोलो। दुर्दशा हो रही है कि नहीं हो रही है? इन भावों के फल में जो गतियां मिलने वाली हैं उनमें क्या दुर्दशा होने वाली है, सोचो। वर्तमान में भी दुर्दशा हो रही है,
ठीक है, और भविष्य में भी जो हमारे भव खराब होने वाले हैं उनके कारण भी हमारी क्या होने वाली है, दुर्दशा ही होने वाली है। विचार ही नहीं, सोच ही नहीं कर रहे। कभी कभी विचार आता है मुझे कि व्यापार करने से ज्यादा अच्छा होता है नौकरी करना, या वैसे क्या सरकारी कोई भी हो, मेनली सरकारी है ना, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि व्यापार तो हम खुद के कर रहे हैं और नौकरी तो अपन किसी गवर्नमेंट की कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि 60 वर्ष के बाद अप्रोक्स वहां कम से कम निवृत्ति तो मिलती है। आप रिटायर तो होते हो, आप भगा दिए जाते हो भले ही, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं वो हटना ही नहीं चाहते, होता है कि नहीं होता है? अब क्या करें, आयु होती जा रही है, सबकी आयु है अलग अलग पदों की, किसी की 60, किसी की 61, किसी की 62, लेकिन वे हट नहीं, मैं नहीं जा रहा तो लग रहा है 2 साल और 3 साल और, है ना। मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम वहां गवर्नमेंट आपको एक मौका तो देती है कि अब जाओ जाके धर्म वर्म करो, बहुत कर लिया तुमने सेवा सरकार की और देश की। लेकिन व्यापार करने वालों का हाल देखता हूं तो लगता है कि इनकी तो तृष्णा ही कम नहीं होती, इनके पैर काम ना चले तो ये रेंगते हुए जाएं दुकान तक, लेकिन जाएंगे जरूर, चल नहीं पाएंगे लेकिन वॉकर से जाएंगे, है ना। बच्चा मना करेगा तो भी जाएंगे, ये क्या हो, ये क्या है। इनका बस चले तो ये दुकान के काउंटर पे ही अपने प्राण त्याग दो, इन्हें ऑप्शन मिले तो ये कहे कहाँ मरना चाहोगे भाई, हम तो बस गिराक से लेते देते में मरना चाहेंगे। ये क्या हाल हो रहा है बताओ। इतनी इतनी एज में मैं जब आसपास के कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ तब तो ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल भी भाव नहीं आता, बिल्कुल भी विचार नहीं आता। ये समझ में आ रहा है कि भैया आयु तो गलती जा रही है, जो संसार में कहा जाता है ना, पैर कब्र में लटके हुए हैं, कभी भी कोई नीचे से आपको खींच के अपने बुला सकता है, लेकिन ना इसकी तृष्णा कम हो रही, ना आशा कम हो रही, ना बच्चे पे भरोसा हो रहा है, ना बेटे पे विश्वास हो रहा है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर। अरे वो क्या जाने, वो क्या जाने, वो क्या जाने, कर करके कर करके हम जाना चाह रहे हैं। ये दुर्दशा है जो यहाँ कही गई है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म होती जा रही है, जीव की तृष्णा जो है ये इतनी भयंकर है जो खत्म ही नहीं हो रही। ये कैसा स्वरूप है जो यहाँ बताया, देखिए आगे। हाँ, यदि कोई बाधा से रहते तो वह उनकी एक तृष्णा ही है, एक तृष्णा ही है। और एक बात बताऊं, सुनना सभी लोग, बहुत मजेदार चीज जो आपको काम में आएगी। अगर आपको सुखी होना हो ना, इंस्टेंट, इनो से भी पहले, है ना, इनो के प्रचार करने वाले कहते हैं कि वो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में है ना, उसको भी अपना काम करने में 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन अब जो मैं बात करा रहा हूँ उसको अपना काम करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर आपको सुखी होना हो, इंस्टेंट इंस्टेंट, उसी वक्त उसी क्षण जिस संबंधी आपकी इच्छाएं हो रही ना, उस संबंधी इच्छाओं को त्याग दो, आप सुखी हो जाओगे। बहुत बड़ी बात कह दी, जैसे सुनाई सुनने में आई, जैसे समझना क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको कभी भी इंस्टेंट सुखी होना हो, इंस्टेंट जो भी इच्छा हो रही हो उसको त्याग दो, छोड़ दो उसका विकल्प, त्याग दो, आप उसी क्षण सुखी हो जाओ, करके देखो। विकल्प तो आएंगे भैया, कौन सा निर्विकल्प हो गए, वितरागे थोड़ी ना हो गए, लेकिन तत् संबंधी जो विकल्प आएंगे ना, उसका अभाव। आपको आ रहा है समझ में? किसी भी चीज में लगाना, जिस किसी भी की भी कारण दुखी हो रहे हो, जिस किसी के भी कारण दुखी हो रहे हो, सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं। शरीर के कारण दुखी हो रहे हो ना, शरीर को स्वस्थ करने के विकल्प आ रहे हैं ना, छोड़ दो, करते रहो, लेकिन जितना तीव्र गद्दार सहित, जितना तीव्र विकल्प सहित आप कर रहे हैं ना, बस उसका त्याग कर दो, आप उसी क्षण सुखी हो जाओ। जिसका भी विकल्प हो, जिस किसी का भी विकल्प हो, उसका विकल्प त्याग कर दो, उसकी इच्छा का त्याग कर दो, हम सुखी हो जाते हैं। इससे समझ में आता है कि इच्छा के त्याग में सुख है, और हम मूर्ख होकर के इच्छाओं के संग्रह में, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानते हैं। ठीक है, ये विचार करने की बात है। मैं एक विषय ख्याल में आ रहा है, फिर कभी बात करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते देखिए। हाँ, यदि कोई बाधा से रहित है तो वह उनकी एक तृष्णा ही है। अभिप्राय यह है कि युवावस्था, जीवन और संपत्ति
ये सब यद्यपि समय अनुसार अवश्य नष्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, पर सबका एक टाइम पीरियड है। जवानी का एक टाइम पीरियड है, बचपन का एक टाइम पीरियड है, होता है कि नहीं होता है, सबका एक टाइम पीरियड है। लेकिन जीव के अधर्म करने का, बोलो, मंदिर का टाइम पीरियड है, एक एक स्लॉट है ना हमारा, कि हम इतने बजे से इतने बजे तक जाएंगे, लेकिन बाकी भोग भोगने के कोई टाइम पीरियड नहीं। ये देखो आगे, समय अनुसार अवश्य ही नष्ट होने वाले हैं, फिर भी अज्ञानी मनुष्य विषय तृष्णा को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये तो अपने आप नष्ट होते हैं और विषय तृष्णा छोड़नी पड़ती है, ठीक है। वह उनके साथ युवावस्था के समान वृद्धावस्था में भी निरंतर बनी रहती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि अभी हमने जवानी में ना मजे ले ले, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म करेंगे, देख लो अपने आसपास के बूढ़े लोगों को कितना धर्म कर रहे हैं, बोलो, देखा कम है अपनी इच्छाएं करने में। जैसे जवान लोगों को जग जीतना है, ऐसे उन्हें भी कुछ ना कुछ जीतना है, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना है। सोचो, विचार करने की बात है कि नहीं। मैं इस अपने स्वाध्याय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, सिर्फ सामान्य दृष्टि से। अभी भी हमारे आसपास कितने ऐसे वृद्ध लोग होंगे या एक निवृत्ति वाले लोग होंगे जिनकी बहुएं आ चुकी हैं या जो थोड़े से फ्री हो गए, होने भी चाहिए, क्यों नहीं हो, है ना। लेकिन वो फिर भी अगर आप उनको धर्म मार्ग में लगाएं किसी भी माध्यम से, चाहे आप उनसे कहें कि एक्स्ट्रा समय मंदिर में दिया करो, चाहे आप उनसे एक्स्ट्रा जाप करने के लिए बोले, सामायिक करने के लिए बोले, या स्वाध्याय में आने के लिए बोले, तो भी क्यों नहीं आते। सोचो सोचो, कभी विचार किया है? बेटे इतने योग्य हो चुके हैं कि वे अपने आप दुकान संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुकान छोड़ करके मंदिर में जाने का विकल्प क्यों नहीं आता। कभी तो ऐसा लगना चाहिए ना कि आप बस बहुत हो गया, कर तो लिया। किसी भी चीज का एक विराम, देखो हम एक गृहस्थ थे और गृहस्थ के कुछ कार्य होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया, जैसा भी किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया है सबने। कभी तो निवृत्ति आती है, कभी तो इन जंजालों से विराम करो, कब तक चौका चूल्हे में उलझे रहोगे। सोचो कब तक हम उस दुकान में ही उलझे रहेंगे जो दुकान यही रह जाने वाली है। ये विचार करने की बात है कि नहीं। क्यों लोगों को ऐसा भाव नहीं आता कि अब हम जब इतने वृद्ध हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं घर में बहुत सुखी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं घर में बहुत अनुकूलता हूं, लेकिन फिर भी जीव को अपने हित की क्यों भाव नहीं आते। ये सोच, ये आचार्य कह रहे हैं ये यही दुर्दशा है संसार की, यही विचित्रता है संसार की। देखिए, प्राणी चाहे पर्वत के ऊपर चढ़ जावे, चाहे पृथ्वी के ऊपर सब ओर घूमे, और चाहे पाताल में प्रविष्ट हो जावे, तो भी यमराज उसे अपना ग्रास बनाता ही है, वह मरता अवश्य है। बोलो, वस्तु स्वरूप है कि नहीं? कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ये समझना होगा हमारे को। हमें लगता है कि शायद हमारे को ये कमी ना हो जाए, वो कमी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सब कुछ तैयारी कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा के रख लो, इतने रुपए साथ में रख लो अपने, है ना। कई सारे लोगों के सुनने में आते हैं कि उन्होंने घर घर में सिलेंडरों का, यहाँ तो नहीं, लेकिन ऐसी आसपास की खबरें सुनने को मिलती है कि घर घर में सिलेंडर का उन्होंने स्टॉक करके रख लिया, दवाइयों का स्टॉक करके रख लिया। क्यों स्टॉक कर लिया? क्योंकि कहीं मर ना जाए, कहीं हमारे को मृत्यु ना हो जाए, कहीं मरण को प्राप्त ना हो जाए, इस प्रकार का भय है क्या हमारे को? विचार है, अगर मरण होना होगा, आयु पूर्ण हो जाएगी, तो ये सारी चीजें हमारे पास उपस्थित होंगी। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इस दुनिया में जो सबसे अमीर अमीर आदमी वो हो गए हैं, आपको लगता है कि उनको किसी भी चीज की कमी रही होगी? जरा सोचो, मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, कंसल्ट करने से रिलेटेड। अब आप तो अपने यहीं कहीं आसपास दो चार डॉक्टरों से कंसल्ट कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा बोलो आपकी क्या रीच होगी? इटावा, आगरा, ग्वालियर, और जहां भी जाते हैं आसपास, है कोई,
और अगर आपकी अच्छी पहुंच है तो आप अपने डॉक्टरों से फोन करके एक से दवाई लेकर दूसरे से कंसल्ट करके कर सकते हो। लेकिन जो इतने अमीर अमीर होते हैं, ये वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट में सबसे दुनिया का कौन है? तो भैया वहां स्पेन में रहने वाला एक व्यक्ति है, उससे कंसल्ट किया जाएगा। उसको हेलीकॉप्टर से बुला लिया जाएगा, प्राइवेट जेट भेज करके मंगवा लिया जाएगा, अब तो बच जाएंगे ना। माइकल जैक्सन का मुझे याद आता है, आप जानते होंगे माइकल जैक्सन एक अमेरिकन सिंगर था और डांसर था, है ना। और वो थोड़ा पागल सा था, मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ पागल, है ना, क्योंकि वो ब्लैक था, मैंने काला था, ठीक है। और अमेरिका में बहुत रंग भेद चलता है, ठीक है, वहां पर गोरे लोग अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, समझते हम प्योर हैं, हम शुद्ध हैं, और ये जो काले लोग हैं ये बहुत बेकार लोग हैं, बहुत बदमाश लोग हैं, है ना, और अच्छे नहीं है, ठीक है। और हम इंडियन को ब्राउन बोला जाता है, ना वाइट और ना ब्लैक, हम लोग कैसे हैं, हम लोग ब्राउन हैं। तो वहां पर मैं आपको क्या, वो एक ब्लैक में जन्मा था, उसने बहुत सारी सर्जरी, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, उसने बहुत सारी सर्जरी करके अपनी ब्लैक कलर को छोड़कर एकदम प्योर व्हाइट बन गया। आप देखेंगे ना उसकी बिफोर एंड आफ्टर की फोटो, कि वो पहले कैसे था और बाद में कैसे हो गया, इतना काला और थोड़ा ऐसा वैसा, और फिर बाद में बिल्कुल एकदम शार्प नोज, एकदम तीखी नाक और जाने ऐसे ये सब, बड़े बड़े बाल, एकदम बिल्कुल चपटा, ये वो बेचारा, उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे उसको दर्द ना हो इस बात के। उसने जाने कितनी सारी तो सर्जरीज करवाई है, उसने अपने लिए वो मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, उसके लिए पहले से ही सब कुछ डोनेट करने वाले रख रखे थे और उनको पैसे दे रखे थे कि कहीं किडनी की जरूरत पड़े तो तुम तैयार रहना, उनको पैसा देना, हार्ट की जरूरत पड़े तो तैयार रहना, डॉक्टरों की टीम उसके घर पे रहती थी, है ना, ऐसा बेड था जिसमें सारी सुविधाएं थी, हॉस्पिटल ले जाने की भी देरी ना हो कि डॉक्टर ये ना बोल पाएगा सॉरी आप 2 मिनट लेट हो गए। पूरा मेडिकल स्टाफ उसके घर में था, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इमरजेंसी में जरूरत पड़े और उसके पास नहीं हो। लेकिन मणि मंत्र तंत्र बहु होई, ये समझना बहुत जरूरी है, कुछ ख्याल में आ रहा है ये बात मैं क्या कह रहा हूँ। चाहे आप पर्वत के ऊपर चले जाओ, चाहे आप पृथ्वी के ऊपर सब जगह घूमाओ, हम कोठरिया में छुप जाएंगे, हम अलमारी में बंद हो जाएंगे, है ना, चाहे आप नीचे पाताल लोक में प्रविष्ट हो जाओ, लेकिन यमराज उसे अपना ग्रास, माने मृत्यु जो है, जब आयु पूर्ण होती है तब वो मर ही जाता है, है ना। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रैक्टिकल किए, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इन लोगों ने बहुत ताबूतों में बंद कर करके रखे लोगों को ना, कौन जो जो प्रूफ होते हैं, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, सारे प्रूफ बंद, ताकि वो आत्मा ना चला जाए, जीव ना चला जाए, आयु पूर्ण ना हो जाए। लेकिन बोलो क्या हुआ, आयु पूर्ण होती है तो आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, उस मैंने किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, जो आयु पूर्ण है तो वही जाती है। मैंने कल आपको बताया था, ये ध्यान रखना, इतना भी टाइम नहीं लगता। आगे देखो, सत्पुरुष, पिता अर्थात गुरुजन, स्त्रियां, बहने, भाईजन और पुत्र, ये सब आते हुए उस यमराज रूप उन्मत्त हाथी के रोकने में समर्थ नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है, हम चिल्लाए कि हाय बचा लो, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं मोह के कारण, ए हाय बचा लो, हाय हमें मरना नहीं है, हाय लोग ऐसे गिड़गिड़ाते हैं डॉक्टर के सामने, डॉक्टर साहब हमें मरना नहीं है, डॉक्टर साहब हमें मरना नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बच्चे को बचा लो। लेकिन अगर आयु नहीं होगी तो डॉक्टर साहब कैसे बचा लेंगे, बोलो, अगर आपकी भी आयु नहीं होगी तो कोई कैसे बचा लेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, चाहे आपके प्रिय भाई खड़े हो, प्रिय माँ खड़ी हो, प्रिय पत्नी खड़ी हो, कोई भी अच्छे अच्छे आपके प्रियजन खड़े हो, लेकिन वे बचाने में समर्थ नहीं है। आगे देखो, मृत्यु से बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं है, ये अंडरलाइन कर लो अपने दिमाग में। फिर से बोलता हूं, बोलो, डॉक्टर के अभाव में मर गए, सोचो
ये सब उपचार के कथन है। निमित्ताधीन, हमें निमित्त तो बार में दिखाई देता ना कि डॉक्टर नहीं आया इसलिए मर गया, डॉक्टर की लापरवाही थी इसलिए मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मर गया, सही ट्रीटमेंट नहीं मिला इसलिए मर गया, क्योंकि हमें ये बाहर में दिखाई देता है। लेकिन आपको पता है असली कारण क्या है? असली कारण है आयु कर्म का फल। मृत्यु से बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं है। हाथी, घोड़ा, रथ और पादचारी, यह परिपुष्ट, पादचारी का मतलब होता है जो पैदल चलते हैं, यह परिपुष्ट चार प्रकार का सैन्य भी, सैन्य दल ऐसा ही होता है, मृत्यु रूप राक्षस के द्वारा खाए जाने वाले प्राणी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। रक्षा, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं ना, बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारी आर्मी लगी है, बहुत सारा खर्च होता है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारा खर्च तो हमारी रक्षा ही रक्षा में होता है। कभी विचार करने की बात है, अगर परस्पर देश आपस में ये विचार कर लें कि ना हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे ना तुम हमारे ऊपर आक्रमण करना, तो बहुत सारा पैसा जो रक्षा मंत्रालय में और रक्षा के कारण खर्च होता है ना, ये बच सकता है। पर आपको पता है जापान ने जो तरक्की की थी वो इसी ने की। आपको पता है जापान के ऊपर सब प्रसिद्ध है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जापान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली सोचो, क्योंकि जापान ने अपनी रक्षा का जिम्मा किसी दूसरे देश को दे दिया। उसने अपना पैसा रक्षा में खर्च नहीं किया, उसने अपना पैसा विकास में खर्च किया, इसलिए वो फिर आज वो सभी से कम्पीट कर पा रहा है, और इसीलिए आज जापान की टेक्नोलॉजी ऐसा बोला जाता है। सोचो तो जब बम गिरता है तो व्यक्ति कितना पीछे पहुंच जाता है, अगर यहाँ भारत में बम गिर जाए तो हम लोग बहुत साल पीछे पहुंच जाएंगे। और फिर वो आज भी देखो जापान ने तरक्की कर ली। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा रक्षा में ही खर्च हो जाता है, रक्षा में ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या कह रहा हूं कि भले ही वे देश की रक्षा करते हो, चाहे वो, ये तो घोड़सवार वगैरह उस जमाने की सैन्य सेना होती थी, अब आज हम बोले चाहे टैंक वाले हो, चाहे AK-47 वाले हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी मिसाइल रखने वाले हो, क्या वे हमारी रक्षा कर सकते हैं? जब आयु पूर्ण हो जाएगी तो कौन किसकी रक्षा कर पाएगा? देखो आगे, दान, पूजा, परिमित भोजन, मंत्र, तंत्र, रसायन अर्थात रोगनाशक औषधि, इनके द्वारा भी उस क्रोधी यमरूप सर्प का निराकरण नहीं किया जा सकता। कह रहे तो क्या करे, क्रोधी यम, यम माने यमराज, सिंपल सी मृत्यु, माने जब गुस्सा हो जाता है ना तो मानता ही नहीं वो किसी से, जब उसने ठान ली ना कि वो आयु पूर्ण हो गया चल नहीं है तो वो किसी की नहीं सुनता, सुनो किस किस की भी, ए साहब हम दान दे दे बहुत पैसा है, बोलो सेटिंग करवा दो हमारी, एक डील करवा दो हमारी, एक आध करोड़ में मान जाए, दान से नहीं मानता, पूजा से नहीं मानता, परिमित भोजन हम कम भोजन करेंगे, हम ऐसा भोजन करेंगे दिन में एक बार कर लेंगे, ठीक है, मंत्र, ठीक है, तंत्र, रसायन, इनके द्वारा भी क्रोधी यमरूप सर्प का निराकरण, किसी भी बाबा के पास चले जाओ, जिस बाबा के पास जा रहे हो वे बाबा भी तो मरेंगे, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो वो डॉक्टर भी तो मरेगा नहीं मरेगा, तो सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, सुनना एक बात और बताता हूँ, यहाँ आपको डराया नहीं जा रहा है कि साहब आप तो मरने मरने की बात कर रहे हो, मरने मरने की बात कर रहे हो, धर्म में मरने मरने की बात इतनी क्यों की गई है? मरने की बात इसलिए की गई है ताकि तुम अपना जीवन सही से जी सको, तुम्हें पता ही नहीं कि जीवन कैसे जीना है, यहाँ मृत्यु भय तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो चार सात प्रकार के भयों को टालने के उपाय बताए गए, मरने से डराया नहीं जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जीवन कैसे जीना है ताकि आप अच्छे पूर्वक समाधि मरण कर सको शांत भाव से, जब सब कुछ छूट रहा हो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान, ऐसे रोते रोते मरने वाले तो बहुत देखे होंगे, बिलखते हुए मरने वाले तो बहुत देखे होंगे, शांत परिणामों से, सेटिस्फेक्शन से कि बस मुझे कुछ कामना नहीं है, दो चार और दिन हो जाते, लाखों वर्षों तक जीऊं या, इतना तैयार होना चाहिए
ये नहीं है भैया, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, नहीं नाम करता है, नहीं लला को बता दे कि कहाँ कहाँ कितो कितो रखो। ये क्या आपको सोचो, एंड टाइम पे ये याद आएगा ना, जिंदगी भर कुछ याद किया, एंड टाइम पे भी भोग 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 ठीक है। चलो और सुनो, स्तनपान करने वाला शिशु, युवा, वृद्ध, दरिद्र, धनवान, निर्धन, मूर्ख, विद्वान, शूर, कायर, स्वामी, सेवक, दाता, सूम, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन और दुर्जन, इनमें से कोई भी जीव उस जलाने वाली मृत्यु से नहीं छूट सकता, कोई भी हो। जल्दी जल्दी बोल दिए, पता नहीं हम लोगों ने दिमाग में कैसे सोच रखा है कि वृद्धि मरते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं चाहे वो स्तनपान करने वाला शिशु हो, और यहाँ एक स्टेप और पीछे चाहे वो अंदर गर्भ में रहने वाला शिशु हो। बहुत से समयों में, बहुत सारी सिचुएशंस में गर्भ में ही मिसकैरेज आदि हो जाए तो फिर वहीं पे जीव की आयु पूर्ण हो जाती है। बोलो, एक मनुष्य भव खत्म। सोचो एक मनुष्य भव काउंट हो, काउंटिंग जो है उसकी खराब हो गया। कौन कौन है जो मरण को प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ सबके नाम गिना दिए, ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं, विचार करिएगा। जिस मृत्यु के द्वारा इंद्र के साथ अतिशय बलवान देव भी मारे जाते हैं, है ना, उस मृत्यु को मनुष्यों को मारने में कोई खेद नहीं होता। बड़े बड़े देव प्रतिभा सबकी आयु पूर्ण होती है भैया, चाहे वो सौधर्म इंद्री क्यों ना हो, चाहे कुबेर क्यों ना हो, कुछ ख्याल में आ रहा है? सबकी आयु पूर्ण होती है। ठीक ही है, जो अग्नि मजबूत पत्थरों से संबंधित पर्वतों को जला डालती है, वह अग्नि तृण समूह अर्थात घास फूस को भला कैसे छोड़ सकती है? अर्थात नहीं छोड़ सकती। समझ में आ रहा है? जिस अग्नि से पर्वत जल जाए, पत्थर जल जाए, पत्थर ढेर हो जाए, तो छोटी मोटी घास की तो क्या बात है। जिस माने देवों तक की आयु जो है वो पूर्ण होती है, मरण को प्राप्त होते हैं, तो हम तो उनके सामने क्या है। आगे देखो, वह कोई भी उपाय ना वर्तमान में है, सुनो है क्या मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय, ना भूतकाल में हुआ है। यानी साहब उस समय बहुत योगी थे, तपस्वी थे, अपन पढ़ते हैं ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कहाँ गए भैया वे चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड को जीता था, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, बोलो कहते कि नहीं कहते, नाम हटा के अपना नाम जोड़ लो, बोलो सबका होने आने वाले, कहाँ गए वे अब कहाँ गए भी? कहीं भी यहाँ एक वो रहती थी भी कहाँ है, कहीं गया वो, यहाँ एक बहुत अच्छे वो रहते थे भी, बस स्वाध्याय थी भी कहाँ है, बोलो कहाँ है, ऐसे कहाँ करते रह जाएंगे। देखो, वह कोई भी उपाय ना वर्तमान में है, ना भूतकाल में हुआ है, बोलो विज्ञान तरक्की कर रहा है लेकिन भविष्य में कुछ हो पाएगा क्या, ना भविष्य में होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई उपाय ही नहीं हो सकता जिसके द्वारा जीवों के चबाने में प्रवृत्त हुए यम को रोका जा सके। यहाँ क्या कह रहे हैं, यमराज जो है वो जीवों को चबाता है, जैसे सामान्य मनुष्य को चबाता है ना, ऐसी वो यमराज जीवों की आयु को या उन जीवों को चबाता है, यानी कि मरण को प्राप्त कराता है, उनको मरने से बचाया जा सकता। देखो अब इसे सुनना, अब ये सब ध्यान देने वाली बात है, हमारे मूल मुद्दे की बात। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय स्वरूप धर्म को छोड़कर दूसरा कोई भी जरा एवं मृत्यु के नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये बात क्या कह दी, हम लोग जल क्यों चढ़ाते हैं, बोलते भी हैं बराबर, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, जन्म माने बर्थ, जरा यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु यानी डेथ को हम सब
समझते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जो हमारे जन्म को रोक दे, हमारे बुढ़ापे को रोक दे और हमारे मृत्यु को रोक दे? यहाँ तो कह रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। बोलो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कोई ऐसा जीव है जिस पर इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो? कोई, अब सोचो पूरे तीन लोक में कोई है? तीन लोक में सोचो कोई है क्या? सुनो, ऐसा नहीं है कि सभी पे इसका फर्क पड़ता हो। अरहंत, मुख्यतः हम बात करें तो सिद्ध परमेष्ठी जो है ना, क्योंकि अरहंत परमेष्ठी को भी एक मरण के, कभी शरीर छूटने को ही मरण कहते हैं, तो उनका भी शरीर छूटता है, तो उसको भी मरण कहा गया है उपचार से। सुनो, सिद्ध परमेष्ठी जो है ना, वे एक ऐसे जीव है जिनका अब कभी जन्म होने वाला है, कभी बुढ़ापा आने वाला है, कभी सिद्ध दशा से त्याग होने वाला है। तो बोलो, जन्म जरण मृत्यु का अभाव कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ऐसा नहीं है कि कभी हराया ही नहीं जा सकता, ख्याल में आ रहा है? हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मरण पसंद नहीं हो, जन्म पसंद नहीं हो, बुढ़ापा पसंद नहीं हो, तो भैया बुढ़ापा तो आएगा, मनुष्य होगे तो आएगा, त्रियंच बनोगे तो आएगा, अंत में बिल के छह छह माह बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन अंत में बिल के छह छह माह जैसे बुढ़ापे में बिलकते हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा? तो सुनो यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर बुढ़ापा पसंद नहीं हो ना, तो ऐसा उपाय करो जिससे फिर कभी बुढ़ापा आए ही ना। उपाय है, क्रीम लगा के तुम क्या कर लोगे? क्रीम लगा के तो छुपा लोगे। मेकअप से क्या होता है बताओ भैया? मेकअप से क्या होता है? आपने देखा ना, कई सारे फोटोएं घूमती रहती हैं, वीडियोस घूमती रहती हैं, बिफोर एंड आफ्टर, कितना आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है मेकअप से पहले वाली अवस्था में और मेकअप के बाद वाली अवस्था में। अरे जब हम फोटो खिंचवाते हैं ना, उस स्टेज पे जब फोटो खींचती है ना सब लोगों की, तब 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 का जो चेहरा होता है ना, और फिर नॉर्मल दिनों में आप घर में जब उन्हीं व्यक्ति से मिल जाओ, है ना, उसी जीव से मिल जाओ, कितना बड़ा अंतर देखने लग जाता है। वहां तो कैसे लग रही है? मेकअप से क्या होता है? मेकअप से आपकी बुराइयां ढक जाती है, खत्म थोड़ी ना हो जाती। कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर हमारे चेहरे पे दाग है और हमने यहाँ मेकअप कर लिया, तो इससे क्या हो गया? हमारा दाग छिप गया, खत्म थोड़ी ना हो गया। ख्याल में आ गया? झुर्रियां हैं, इससे क्या हुआ? छिप गया, झुर्रियां हैं माने रिंकल्स आ जाते हैं ना, फिर हमने एंटी रिंकल क्रीम लगाई, ये जो बाल है हमारे सफेद हो जाते हैं, जो हमारे चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो, नहीं, ये कोई चिन्ह है ना, कुछ कुछ दिखाना चाह रहे हैं ना, जो बता रहे हैं कि तुम बूढ़े हो गए, चुप, रंग दिया, लो जवान हो गया मैं, इतना सरल है, 10 रुपए में लो, कितने का भी आता मुझे पता नहीं, 10 रुपए में लो, हाल जवान ही हो जाए, लो खत्म। सुनो, इससे छिपता है, खत्म नहीं होता, ये मन बहला रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बूढ़े नहीं हो। लोग कहते भी बड़ी चालाकी से हैं, क्या आप लगते नहीं, लग नहीं रहे, काला तुम हो नहीं, ये थोड़ी ना खत्म हो गया, वो तो हो ही, लग नहीं रहे बस। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अगर नहीं पसंद हो ना ये बुढ़ापा, आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का कितना सारा व्यापार और कितनी बड़ी मूर्खता हमें इसी के नाम पर बनाई जाती है, क्या बूढ़े नहीं होंगे ये क्रीम लगा लीजिए, बूढ़े नहीं होंगे ये फेस वॉश लगा लीजिए, बूढ़े नहीं होंगे ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, बूढ़े नहीं होंगे ये हेल्थ डाइट ले लीजिए, बूढ़े नहीं होंगे ये हेयर कलर लगा लीजिए। इसलिए अगर नहीं है ना पसंद, तो ऐसा उपाय करो ना जो एक बार करना पड़े हो, फिर कभी बूढ़े ही नहीं हो। ये क्या है, हर 10 दिन में आपको आफत आती है ना, कभी कभी आती तो होगी, जो भी कलर करते हैं कभी कभी तो लगते हैं, हर बार आप जब है नेचुरल काले तो नेचुरल काले हैं, समझ रहे हो, प्रकृति ने कहा जब काले हैं तब वो
काले हैं। अब तुम आया करा हुआ 10-15 दिन भी नहीं चल पाता। लोग पार्लर में जाते हैं कि और उससे कहते हैं ऐसा कलर कर दो जो महीने भर चले, खूब आपके वो 2-3 घंटे तक आपकी सेवा करता है, आपको पैम्पर करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। वो एक एक बाल आपको पकड़ पकड़ के करता है, बहुत अच्छा पड़े रहो, एक एक बाल कर रहा है, नीचे नाखून दिख रहे हैं, एक 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 नाखून देखा जा रहा है। तब तक करोगे आप सोच नहीं सकते, लोग घंटों घंटों ऐसे बिता देते हैं, जाने क्या क्या होता है, मेडिक्योर नाम भी नहीं पता, कराने वराने की तो अलग सी बात है। ये देख नाखून घिस रहे हैं, नाखूनों का शेप एकदम सही आना चाहिए, एकदम सही। अब हम तो लिए पकड़ के काट दिए, लेकिन फिर उसको घिसते हैं एकदम अच्छे से शेप आए, है ना, फिर जाने क्या क्या करते हैं भगवान, है ना। एक एक बाल को पकड़ा जाएगा, फिर उसको एकदम से उसको कीटो किया जाएगा, फिर फलाना किया जाएगा, फिर शैम्पू, फिर कंडीशनर, फिर ये, फिर वो, इतने घंटों घंटों बिताए जाते हैं। कब तक करोगे बोलो, कब तक करेंगे हम? पैसा है तो बर्बाद कर रहे हो। सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, मार्केट वाले ये सोचते हैं कि कैसे आपसे पैसा निकलवाया जाए, कुछ ख्याल में आ रहा है? हर चीज का यही है, इसलिए नए नए फोन, नई नई गाड़ी, हमें ऐसा इमेजिन कराया जाता है कि इसी में ही सुख है। अगर आपने ये फोन नहीं लिया तो जिंदगी बर्बाद, हमें लगता है हाँ जिंदगी बर्बाद, चलो सफल जन्म कर लें अपना, हम फोन खरीद ले आते। ऐसा ही होता है कि तुमने वो नहीं करवाया, बाल बेकार हो जाएंगे सारे, फिर वो केमिकल्स लगा लगा के हम बाल खराब कर दें। यहाँ क्या कहा, देखो समझने वाली बात इतनी सी है, ये पूरी दुनिया जो है ना वो हमें वास्तव में ठगने के लिए खड़ी है। उन्हें सबको अमीर बनना है, वो ऐसे मांग तो सकते नहीं है, लेकिन आपको मूर्ख बना बना के कि ये बालों के लिए आज जरूरी है। देखो सोचना, कभी विचार करना, कोलगेट जब टूथपेस्ट नहीं आए थे ना, तब लोग नमक से और वो राख से ना, इन हल्दी से या कोई सरसों के तेल से ना, और किस किस से इन सबसे करते थे कि नहीं करते थे? हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है, गवार हो तुम लोग, नमक से कर रहे हो, नमक में क्या हो? ये टूथपेस्ट लीजिए, आया समझ में? और कहा ये गवार लोग होते हैं जो ये करते हैं, देखो नमक से करने में इतने नुकसान होते हैं, नुकसान गिनाए, और हम लोगों को क्या अपना दिया गया, टूथपेस्ट अपना लिया, क्योंकि नमक सस्ता था, आसानी से काम हो जाता था, लेकिन टूथपेस्ट उनको बेचना था, उनको पैसे भी कमाने थे। हाँ फिर अभी सुनना, आगे जर्नी सुनाता हूँ मैं आपको। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे अब देखा कि नमक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी पूछने लग गए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आता है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, तो टूथपेस्ट में नमक डालो, ऐसा अच्छा तो नमक से ही कर लो, या आपके में नीम की शक्ति है तो नीम की शक्ति तुम नेचुरल ले लो ना, कुछ ख्याल में आ रहा है? सुनना आप ध्यान से सुनना, अभी एक नया आ रहा है चारकोल, सुना आप लोगों ने? एक चारकोल बहुत आता है, चारकोल फेस वॉश, चारकोल क्या क्या, चार कोलगेट चारकोल, ये पता क्या है चारकोल राख है, राख। पहले हम लोग राख से मंजन करते थे, नमक से मंजन करते थे, अब हमें वो पसंद नहीं आया, अब हमें चारकोल चाहिए। तो भाई हमारे टूथपेस्ट में क्या डाल रहे हैं, चारकोल डाल करके हमें दे रहे हैं, कुछ ख्याल में आ रहा है? वापस वही लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं? धीरे धीरे ये सोचने वाली बातें हैं। तो ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये सब के सब क्या चाह रहे हैं हमारे से, सब पैसे निकलवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। पहले इसके नाम पे बेवकूफ बनाएंगे कि ये बेकार है, फिर ये कहेंगे कि अब ये जरूरी है, पहले आराम से रीठा से धोए जाते थे। खैर मुझे तो वो जमाना मिला नहीं, लेकिन आप लोगों को तो वो जमाना मिला ना, उससे धोए जाते थे कि नहीं धोए जाते थे? फिर आपको कहा कि बेकार है, उससे कुछ नहीं होता, झाग नहीं आ रहा, जो देखो एक चिप डालो, एक क्लीनिंग प्लस डालो तो झाग आ गया। फिर कहा शैम्पू जरूरी है, फिर बोले लगे नहीं नहीं शैम्पू नहीं, शैम्पू से ना रूखे रूखे हो जाते हैं, शैम्पू के बाद अब कंडीशनर जरूरी है। कहीं ना कहीं पहले ये कहेंगे, फिर वो कहेंगे, अकेला पहले हमने शैम्पू खरीदवाया उन्होंने हमारे से,
फिर कहा कि शैम्पू इनफ नहीं है, अब कंडीशनर खरीदो। अब कह रहे हैं शैम्पू और कंडीशनर इनफ नहीं है, पार्लर में जाके कीटो कराओ। तो समझा करो इन सब चीजों को, अब दो चार साल बाद कुछ नया आएगा। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमारे पैसा निकल रहा। ये पता है क्या करते हैं, इन्हें पता है कि हम मनुष्य हैं और हमारे बहुत सारी तृष्णाएं भरी पड़ी, सुंदर दिखने की तृष्णा, अच्छा लगने की तृष्णा, बढ़िया लगने की तृष्णा, बस इन सब चीजों को पकड़ करके मैनिपुलेट करते हैं। वैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, वैसी चीजें लाई जाती हैं, और हम मूर्ख होकर के पागल होकर के ऊपर लेकर के आ जाते हैं। ये समझना होगा हमारे को। चलिए देखो इसको कुछ रह गया तो समाप्त, हाँ ये पैराग्राफ पढ़ के समाप्त करते हैं। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय स्वरूप धर्म को छोड़कर दूसरा कोई भी जरा यानी कि बुढ़ापा एवं मृत्यु के नष्ट करने में समर्थ नहीं है। यदि जन्म जरा और मरण से कोई बचा सकता है तो वह क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रय ही बचा सकता है। ठीक है, विचार करिएगा शेष चर्चा।
Thank you.